एसएमएस न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। अचानक कार का दरवाजा खोलने से टकराए बाइक सवार की मौत। नागपुर से अमरावती जाते समय हुआ हादसा, उपनिरीक्षक सहित 5 घायल। धनबाद जोन में जलकुंभ स्वच्छता आज से 3 दिन तक। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। आगे पीछे देखे बगैर कार का दरवाजा खोलने पर बाइक सवार टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक छावनी का निवासी अतिकुर रहमान गुलाम नवी बताया गया। मृतक अतिकुर रहमान गुलाम नवी हनुमान नगर मंदिर रोड छावनी का निवासी है। मृतक के भतीजे सफीउर रहमान हबीबुर रहमान ने सदर थाने में शिकायत की। अतिकुर दोपहिया वाहन पर जा रहा था मोहता बंगले के सामने एक्सिस बैंक के बगल में पागलखाना चौक में एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार चालक ने बिना आगे पीछे देखे अचानक से कार का दरवाजा खोला। अतिकुर रहमान वाहन सहित टकराए और नीचे गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगी। उन्हें पहले निजी अस्पताल उसके पश्चात मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 नवंबर को अतिकुर की उपचार के दौरान मौत हो गई। अगली खबर, अमरावती मार्ग पर टायर फटने से कार पलट गई। हादसे में कार में सवार पुलिस उपनिरीक्षक सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल निजी अस्पताल भेजा गया। यह घटना कोंडारी क्षेत्र में हुई। घायल उपनिरीक्षक किशोर सातोकर अपनी बहन ममता ताड़े को कार से छोड़ने उसके ससुराल जा रहे थे। कार में उनके साथ पत्नी ज्योति सातोकर, बेटे ऋतिक और प्रतीक भी सवार थे। किशोर बहन को ससुराल में छोड़ने के बाद अपनी ससुराल अमरावती जाने वाले थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किशोर सातोकर सोनेगांव ट्रैफिक पुलिस शाखा में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है। वह अपनी कार से पत्नी बहन और दोनों बेटों के साथ नागपुर से अमरावती जा रहे थे। कार किशोर सातोकर खुद चला रहे थे। कोंडारी से करीब 6 किलोमीटर आगे नागपुर अमरावती मार्ग पर उनकी कार का पीछे का टायर अचानक फट गया। उन्होंने कार को नियंत्रित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। अगली खबर, शहर को जलापूर्ति करने वाले जलकुंभों की महानगर पालिका और OCW साल में एक बार स्वच्छता करती है। धर्मपेट जोन में 24, 25 व 26 नवंबर को रामनगर, GSR और दाभा जलकुंभ की स्वच्छता की गई। गोकुलपेट, तिलक नगर, रामनगर, तेलंगखड़ी, संजय नगर, हिंदुस्तान कॉलोनी, भारत नगर, पांड्रापोड़ी, अंबाझरी स्लम, अजय नगर, वर्मा लेआउट, देवतले लेआउट, समता लेआउट, सुदामा नगरी, महात्मा फुले नगर, बाजी प्रभु नगर तथा निकटवर्ती क्षेत्र शामिल है। 26 नवंबर को जगदीश नगर, मकरदोपड़ा, गंगा नगर, गायत्री नगर, चिंतामन नगर, भीमसेन खौरी, गौतम नगर, हजारी पहाड़, आशा बालवाड़ी, कृष्णा नगर, रचना सायंतारा, मनोहर विहार, श्रीपूर्ण सोसाइटी, वेलकम सोसाइटी, नशेमन सोसाइटी, धूमी लेआउट, दाभा बस्ती, काची मेट कोठारी, चिकली लेआउट, वुडलैंड सोसाइटी, आदिवासी सोसाइटी आदि शामिल है। इसी के साथ देश दुनिया की ताजी खबरों को देखने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।